दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। अफवाह सुबह करीब 5 बजे के आसपास हुई। बताया गया कि टेक ऑफ से कुछ देर पहले पायलट को एक टिश्यू पेपर मिला और उस टिश्यू पेपर पर लिखा था 30 मिनट में बम ब्लास्ट। इसी के बाद अफरा तफरी मची और विमान को आनन फानन में खाली कराया गया, क्योंकि विमान के उड़ान भरने से कुछ ही देर पहले यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और इसके बाद विमान के इमरजेंसी डोर खोल दिए गए, लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद विमान की तलाशी ली गई लेकिन विमान के अंदर कोई बम नहीं मिला। लेकिन विमान में बम की अफवाह से लोग डर जरूर गए और बाहर निकल आए। एक महिला तो फ्लाइट की विंडो से विंग पर उतरी, उसकी एयर होस्टेस ने मदद की और फिर वो विंग से होते हुए नीचे उतरी। दूसरी तरफ विमान में सवार दूसरे लोग और कर्मचारी इमरजेंसी गेट से बाहर आए। ये अफरा तफरी इसलिए मची क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की विमान संख्या 6E211 में बम होने की धमकी मिली। इसके बाद बिना देर किए विमान को खाली कराया गया। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। इसमें लोग और विमान कर्मचारी जल्दी जल्दी बाहर आते नजर आए, क्योंकि विमान के उड़ान भरने से कुछ ही देर पहले पायलट को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला और इसी टिश्यू पेपर पर विमान में बम होने का संदेश लिखा था। इसके बाद पायलट ने इसकी खबर सुरक्षा अधिकारियों को दी, क्योंकि विमान के पायलट को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला था जिस पर लिखा था 30 मिनट में बम ब्लास्ट। और टिश्यू पेपर पर लिखे इस संदेश को विमान में बम की धमकी माना गया और आनन फानन में इस विमान को खाली करा के इसकी तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। लेकिन विमान में बम की अफवाह ने उसमें सवार 176 यात्रियों और विमान के कर्मचारियों को डरा कर रख दिया। इसके बाद इस बात की जाँच शुरू हो गयी की बम की अफवाह फैलाने वाला वो टिश्यू पेपर विमान के टॉयलेट तक कैसे पहुँचा, क्योंकि ये सारी अफरा तफरी उस टिश्यू पेपर की वजह से मची। और दिल्ली में एक बार फिर लोगों को बम की अफवाह की वजह से परेशान होना पड़ा, क्योंकि अप्रैल से मई के बीच इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। विमान से पहले कभी स्कूलों में, कभी अस्पतालों में, कभी गृह मंत्रालय तक में बम रखे होने की खबर आ चुकी है और हर बार ये खबरें झूठी निकली, क्योंकि तलाशी के बाद न स्कूलों में बम मिला, न अस्पतालों में और न गृह मंत्रालय में। इंडिगो के विमान में भी बम होने की खबर गलत निकली, लेकिन इन खबरों ने लोगों में दहशत जरूर फैला दी। इसी महीने की पहली तारीख यानी 1 मई को दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों में बम रखे होने की खबर फैली थी। इसके बाद 12 मई को दिल्ली एयरपोर्ट, 20 अस्पतालों और उत्तर रेलवे के चीफ PRO के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इससे पहले 30 अप्रैल को दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन पुलिस के तलाशी अभियान के बाद कहीं कोई बम नहीं मिला और ये सारी धमकियां कोरी अफवाह साबित हुई। लेकिन इन अफवाहों ने कुछ देर के लिए हड़कंप जरूर मचा दिया था और लोग परेशान हो गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में बम होने की अफवाह ने भी वही किया, क्योंकि बम की खबर ने कुछ घंटों के लिए लोगों की सांसें अटका दी।